साल 1932, जगह चिटगांव। यहां के एक यूरोपियन क्लब के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्तों और भारतीयों की एंट्री प्रतिबंधित है। अंग्रेजों की इस हरकत का जवाब वीरांगना प्रीतिलता वड्डेदार ने क्लब पर हमला करके दिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि वे अंग्रेजों की गिरफ्त में आ सकती हैं, तो उन्होंने साइनाइड निगलकर अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर दी। यूरोपियन क्लब अटैक और प्रीतिलता वड्डेदार की कहानी को जानने के लिए हम पहुंचे चिटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, जहां पहुंचने पर हिस्टोरिकल क्लब के पास सन्नाटा नजर आता है। क्लब के बाहर प्रीतिलता वड्डेदार की मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्ति के साथ ही उनके अंग्रेजों से भिड़ जाने वाले किस्से को भी पत्थर पर उकेरा गया है। यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना और इस अटैक की तैयारी क्रांतिकारी सूर्य सेन ने की थी। वे 3 से 4 बार हमले की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार नाकाम हुए। प्रीतिलता सूर्य सेन की ही क्रांतिकारी ग्रुप की मेंबर थी। यूरोपियन क्लब पर हमले की तमाम कोशिश फेल होने के बाद प्रीतिलता को ही इस मिशन की कमान सौंपी गई। फिर आया 24 सितंबर 1932 का दिन, जब ये दिन यूरोपियन क्लब पर हमले के लिए मुकर्रर हुआ। इसके लिए 15 क्रांतिकारियों की टीम तैयार की गई, जिसका नेतृत्व प्रीतिलता के कंधों पर था। हमले के पहले सूर्य सेन ने सभी क्रांतिकारियों को पोटेशियम साइनाइड दिया और कहा कि अगर पकड़े जाओ तो ये निगल कर जान दे देना, लेकिन अंग्रेजों की गिरफ्त में मत आना। हमले वाले दिन प्रीतिलता पंजाबी पुरुष की वेशभूषा में 15 क्रांतिकारियों के साथ रात 11:45 पर यूरोपियन क्लब पहुंचती हैं और मौका देखते ही सभी क्रांतिकारी अटैक शुरू कर देते हैं। हमला होते ही ब्रिटिश सिपाहियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान प्रीतिलता को एक गोली लग जाती है। जब तक अंग्रेज उन्हें पकड़ते, वो साइनाइड निगल चुकी थी। प्रीतिलता के साहस की कहानी को जानने के लिए हम पहुंचे एडवोकेट राणा दास गुप्ता के पास, जो बांग्लादेश में प्रीतिलता के परिवार की आखिरी जनरेशन से हैं। मेरी दादी प्रीतिलता यानी मेरे पापा की बुआ की कहानी सुनाती थी कि किस तरह उनकी बुआ ने देश की आजादी में एक अहम योगदान दिया है। प्रीतिलता के जीवन में स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण विश्वास की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें देखकर ही प्रीतिलता को एहसास हुआ कि अगर विश्वास देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं, फांसी चढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। प्रीतिलता विश्वास को अपना आइडियल मानती थी। प्रीतिलता वड्डेदार इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिन्होंने क्रांतिकारी सूर्य सेन के साथ मिलकर कई हमलों में हिस्सा लिया और अंग्रेजी हुकूमत को धूल चटाई।